नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मोहन कैबिनेट के मंत्री राकेश सिंह देर रात मंत्रालय पहुंचे, जहां उन्होंने लोक निर्माण विभाग में मंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण किया। शुभ मुहूर्त के चलते मंत्री राकेश सिंह जबलपुर से भोपाल पहुंचे और विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ मंत्री पद संभाला। इस मौके पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए राकेश सिंह ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में गतिमान भारत का नारा दिया गया था और आज भारत दुनिया के सबसे विकसित होने वाले देशों की श्रेणी में शामिल है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश गतिशील और सबसे तेजी से विकास करने वाले देश में शामिल हो। विकास की दृष्टि से जो भी संकल्प लिया गया है उसमें हमारी भूमिका हो उसको सुनिश्चित करेंगे। लोक निर्माण विभाग विकास के कार्यों के साथ साथ जनता तक पहुंचे, जनहित और जनता के जो भी कार्य हैं जिनसे जनता को लाभ हो सकता है ऐसे सभी कार्यों में इस विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका हो, ये मेरा प्रयास होगा। विभाग के सभी अधिकारियों कर्मचारियों के सहयोग से मध्य प्रदेश में जो विकास के कार्य हो रहे हैं उसमें विभाग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करे। ये कार्य अकेले नहीं हो सकता, इसलिए मंत्रालय के सभी अधिकारी कर्मचारियों के साथ संकल्प को पूरा करेंगे। इस मौके पर सिंह ने मीडिया का भी आभार जताया। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। आज विधिवत रूप से पूजन उपरांत मैंने लोक निर्माण विभाग में मंत्रालय में अपना कार्यभार ग्रहण किया है। वैसे आज मुझे दिन में ग्रहण करना था लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम जबलपुर में ही था और उस दृष्टि से चूंकि मुहूर्त आज का ही था तो ये आवश्यक था कि मैं आज ही कार्यभार ग्रहण करूं, अथवा फिर 6 तारीख तक मुहूर्त कोई दूसरा नहीं था। तो आज विधिवत जब कार्यभार ग्रहण किया है तो सबसे पहले तो कल मैं विस्तार से सारी बातों का आकलन करूंगा, समझूंगा, फिर आप सबके सामने मैं विस्तृत चर्चा करूंगा। इतना मैं अभी ज़रूर कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गतिमान भारत का नारा दिया गया था और भारत आज दुनिया में सबसे तेजी के साथ विकसित होने वाले देशों की श्रेणी में शामिल है और हम सब भी ये कोशिश करेंगे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश गतिशील मध्य प्रदेश के रूप में देश में न सिर्फ जाना जाए बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सबसे तेजी के साथ विकास करने वाले प्रदेश के रूप में स्थापित हो। उनकर विकास की दृष्टि से जो भी संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिए गए हैं उन सबको पूरा करने में हमारी भूमिका हो इसको भी हम सुनिश्चित करेंगे। लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश में विकास के कार्यों के साथ साथ जनता के जनता तक पहुँचे, जनहित और जन कल्याण के जो भी कार्य हैं जिनसे जनता को सीधे तौर पर लाभ हो सकता है ऐसे सभी कार्यों में इस विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका हो ये मेरा प्रयास होगा। आप सबके सहयोग से, विभाग के अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग से मेरी ये कोशिश होगी कि विभाग मध्य प्रदेश में जो तेजी के साथ विकास के कार्य हो रहे हैं उनमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करे और ये कार्य अकेले नहीं हो सकता, इसीलिए मंत्रालय के सभी अधिकारी कर्मचारी और मध्य प्रदेश का जितना भी विभाग का अमला है उन सबके सहयोग के साथ इस संकल्प को हम पूरा करेंगे। मीडिया के मित्रों का सहयोग सदैव प्राप्त होगा ऐसा मुझे विश्वास है। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।